तो गाइज देखो यहाँ पे लगी है ट्रैफिक एंड ये लोग जो है ना अभी फुटपाथ से जा रहे हैं। कितनी गलत चीज़ है ये, वो लोगों के चलने के लिए जगह बनाई गई है एंड यहाँ पे लोग गाड़ी घुसा रहे, तो वहाँ पे भी अभी उन लोग ने पैक कर दिया। अभी लोग आएंगे जाएंगे कैसे भाई। तो भाई बाइक में ना फ्यूल बिल्कुल भी नहीं था, बाइक रिजर्व में आ चुकी थी, सो अभी फ्यूलिंग करवा रहे के। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज अभी का जो टाइम हो रहा है 12:57 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एक बज चुका है दोपहर का। धूप थोड़ी बहुत है एंड भाई कल जो है ना इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी कल्याण में, मतलब ऑलमोस्ट मुंबई में हो रही थी बारिश एंड काफ़ी तगड़ी भाई, मतलब ना क्या ही बोलो, मतलब कि बिजली नहीं थी, वाईफाई नहीं था, नेटवर्क नहीं था, सब बंद पड़ा हुआ था कल। पता नहीं इंद्रदेव को क्या इतना गुस्सा आ गया कल कि भाई कल के दिन इतनी ज़ोरदार बारिश करवा दी। खैर अभी थोड़ी बहुत धूप है एंड आसमान भी साफ लग रहा है थोड़ा बहुत, सो सोचा मैंने चलो बाहर निकलते हैं। इस बाहर इसलिए निकला हूँ बिकॉज भाई एक छोटा सा काम है हमें। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ राइड एंड राइडर में बिकॉज जो हेलमेट मैंने लिया था SMK का, तो मुझे ना उसमें साइज़ का थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था क्योंकि उस हेलमेट के ऊपर लिखा है XL साइज़ एंड पैडिंग के ऊपर जो है ना M साइज़ की पैडिंग है, और जब भी मैं पहन रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि बहुत टाइट हो रहा है, सो इसलिए मैं अभी पैडिंग चेंज करवाने जा रहा हूँ। मेरी बात उनसे हो चुकी है तो उन्होंने बोला ठीक है आप विज़िट करो शॉप को, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ विज़िट करने के लिए। एक्चुअली मैंने हेलमेट जो लिया था वो संडे को लिया था एंड अभी भाई थर्सडे है, सो ऑलमोस्ट 4 दिन हो चुके हमें हेलमेट लेके। इतने दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं नहीं गया जॉब की वजह से, एंड शॉप भी बहुत जल्दी बंद हो जाता है 8 बजे तक एंड मैं 8:30 हो जाते मुझे आते आते घर पे, एंड चेंज हो जाती है तो हम लोग भाई वाइज़र भी देखेंगे क्योंकि वाइज़र जो है ना उस दिन अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, तो वाइज़र भी देखेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है इस पे। सो अभी फ़िलहाल मैं निकला हूँ कल्याण से, ये मेरे लेफ्ट साइड में मेट्रो मॉल। तो भाई एक्चुअली ना 5 मिनट का काम है, तो 5 मिनट में काम निपटा के हम लोग रिटर्न आएंगे घर पे, तो मैंने सोचा एक मोटो व्लॉग भी हो जाएगा। भाई ये जो 10 दिन है ना वो कैसे चले गए पता ही नहीं चला, गणपति बाप्पा कब आए एंड कब अभी जा रहे हैं। कल जो है ना कल 10वां दिन है एंड गणपति बाप्पा का विसर्जन है कल, तो अभी फिर 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा गणपति बाप्पा आने के लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये साल भी फटाक से निकल जाएगा एंड भाई हमारे गणपति बाप्पा वापस आएंगे। तो वेट करने के अलावा भाई हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है। तो गाइज मैंने जो पिछले वाली वीडियो बनाई है जब मैं हेलमेट बाय करने आया था तभी जो फुटेजेस थे ना तो थोड़े बहुत टेढ़े हैं, वो बिकॉज इसलिए भाई क्योंकि मैंने रोटेबल माउंट अटैच किया था मेरे हेलमेट के साथ एंड मुझे पता नहीं था कि वो थोड़ा क्रॉस हो गया है, सो इस वजह से सारे फुटेजेस जो है वो टेढ़े आए हैं एंड घर पर जाके ना मुझे इतना ख़राब लगा कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है मैं वीडियो अपलोड नहीं करने वाला था बट बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, सो अभी मैंने वो हटा के मेरा J माउंट लगा दिया है, सो अभी फुटेजेस प्रॉपर आ रहे होंगे आपको। ये सारे सेटिंग जो है ना आपको पहले ही करना पड़ता है, लेकिन मैं भाई हूँ आलसी, अभी से सारे चीज़ें जो है ना वो चेक करके ही घर से निकला करूँगा बिकॉज भाई बाद में पूरा वीडियो बनाने के बाद में ना पता चलता है कि भाई कभी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, कभी कैमरा एंगल ही टेढ़ा है, मतलब क्या ही बोले भाई। मोटो व्लॉगिंग करना भाई इजी तो नहीं है। तो भाई हमारे पास एक हेलमेट तो आ गया है नया वाला SMK का एंड मैंने एक माउंट जो है ना वो ऑर्डर कर दिया है, तो वो कल फ्राइडे को आने वाला है। ठीक है जैसे ही आएगा तो हम लोग एक नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाएंगे एंड अगर किसी को मोटो व्लॉगिंग सेटअप की वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, अगर नहीं चाहिए तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाया है। तो भाई यही वो ब्रिज था जिससे वो एक लड़की थी मोरबे डैम की राइड की थी तभी वो सुसाइड कर रही थी यहाँ से, मुझे नहीं लगता लेकिन यहाँ से डूब के उसकी जान चली जाती, कोई ना कोई बचा ही लेता है। अगर भाई उड़ी मारना है तो ये वाली बिल्डिंग से मारो ना। तो भाई मैं सुसाइड अटेम्प्ट के लिए मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ऐसे ही मजाक में बोल दिया मैंने, सच में कहीं मार मत लेना उड़ी। एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं राइड एंड राइडर, तो यहाँ से लेते हैं राइट। ये भाई किधर घुस रहा है, ओके चलो। हाँ फाइनली भाई तो अभी ये निकालना पड़ेगा मेरे को। अरे भाई गिर मत। तो भाई ये आपको जो है ना
कोई भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगी। वैसे मैंने ये घर से उठाई है, इसको रख देते हैं बैग में एंड चलते हैं अंदर। आप ही थे ना उस दिन? ये आपका भाई था? नहीं नहीं मैं था। बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। ये देखो एम साइज है, मेरे को दूसरा साइज चाहिए। ये जो है ना स्ट्रैप, हाँ ये एम एल एक्सएल सबके सेम आते हैं ये स्ट्रैप। हाँ हाँ मैं कहता हूँ आपको एम जो एम पेन के देता हूँ। ये एम है? हाँ अभी ये पेन के देखो साइज क्या एल। एक सेकंड। A few moments later. मेरा बिल अभी तक नहीं आया यार। मैम ही नहीं है ना, मैम आएंगे अभी। कब आएंगे? कल परसों तक आएंगे। अच्छा तभी देंगे क्या? उसके बाद सब बिल फटाफट करा जाएगा। आप ये बोल रहे हैं? यस यस यस। ये लगेगा ना? नहीं। क्यों? SMK है ना? SMK में पैटर्न बहुत अलग अलग आते हैं। अरे यार एक सेकंड, ऐसे निकाल ही सकते हैं इसको? हाँ परफेक्ट। मंगा ना कितने का है? 500 और डिस्काउंट लेके। अरे भाई 5000 का हेलमेट लिया यार। तो गाइज एक्चुअली मुझे वाइज़र देखना था लेकिन उस टाइम वाइज़र मिला नहीं एंड इस टाइम भी अभी भाई के पास अवेलेबल नहीं है। भाई कब तक आएगा फिर? नेक्स्ट संडे डायरेक्ट? अरे बाप रे। अभी जस्ट ऑर्डर गया है, मिल जाएगा आपको। ठीक है तो अभी टाइम है एंड साइज़ का भी इशू सॉल्व हो गया। अभी एक्सेल ही है ना? ठीक है तो भाई समीर को लेना है विंडशील्ड उसके बाइक के लिए। सो हाँ स्क्रैच गार्ड आने वाला है। आया है थोड़ा सा, मैंने कुछ प्रॉब्लम से रिटर्न किया हूं। कितने का प्राइस क्या रहेगा? 3800 मेरे को। फिर फोन करे, नंबर है ना तेरे पास? हेलो हाँ बोल ना। अरे आता नहीं है त्यांच्याकडे पण ऑर्डर दिली तर येईल। 750 ला भेटेल? 750 ला? हाँ स्वस्त आहे वहाँ। ऑर्डर दिली तर भेटेल बोलतो, कोणता पण घे 750। ओके हाँ चला बोल तो क्या। ठीक है चल। चलो गाइज अपना काम हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। चल भाई। तो अभी ये फिर से अभी अपने को बांधना पड़ेगा यहाँ पे। भाई कोई भी अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए होगी बाइक के रिलेटेड तो राइड एंड राइडर्स में आप आ सकते हो, काफ़ी अच्छी शॉप है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है शिवफाटा आने के पहले ही ये शिवफाटा रोड के बीच में आता है इनका शॉप, काफ़ी अच्छा है। चलो भाई अभी निकलते हैं, फ्री प्रमोशन कर रहे हैं भाई यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं भाई, ये सबसे मुश्किल टास्क है। राइड पे भी अगर आप जाते हो तो ये सबसे मुश्किल वाला टास्क होता है भाई। तो मैं पहले हेलमेट बांध लेता हूँ उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। A few moments later. चलो भाई तो अभी निकलते घर के लिए। भाई अंकल ने मेरे को हेलमेट बांधने के लिए काफ़ी मदद की है। चलो भाई साहब। तो गाइज हमारा जो साइज़ का मैटर था वो क्लोज हो चुका है, एक्सेल साइज़ का मैंने ले लिया है। तो वाइज़र जो है ना मुझे देखना था लेकिन वाइज़र मुझे मिला नहीं, उस टाइम भी नहीं था एंड इस टाइम भी नहीं था। तो ऑर्डर कर दिया है मैंने, वो आएगा जैसे हमें कॉल करेगा या फिर यहाँ पे आगे और एक शॉप है तो वहाँ पे देखते हैं, अगर वाइज़र मिल गया तो भाई वहाँ से ले लेंगे एंड लगवा देंगे इसको। तो माउंट तो हमारा कल आ रहा है तो बहुत ही जल्द हमारा नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी होने वाला है। यहाँ पे एक हेलमेट का शॉप है वेगा एंड एक्सोर, यहाँ पे देखते हम लोग वाइज़र मिलता है क्या। भाई वाइज़र है आपके पास अवेलेबल? कौन सा? नहीं वो नहीं, उसका नहीं है। इसमें ये भी आता है ना ग्लॉसी वाला? तो गाइज मैंने अभी एक शॉप में देखा लेकिन उनके पास कोई भी वाइज़र नहीं था। भाई साहब अभी ये गिरते गिरते बचा है लिटरली, क्या हो गया इधर? ओ माय गॉड, ऑटो वाले ने ठोक दिया या फिर ऑटो वाले को ठोक दिया, गिर गया भाई।
संभाल के गाड़ी चलाया करो यार, हेलमेट भी नहीं था बंदे के पास। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ कल्याण, मैं सीधा घर पे जाऊंगा, एसी ऑन करूंगा और सो जाऊंगा भाई। तो मेरे पापा ना मेरे को पूछ रहे थे कि हेलमेट कितने का लिया है, तो भाई मैंने लिटरली उनको बताया कि हेलमेट 2000 रुपए का है, क्योंकि अगर उनको इसके असली प्राइस पता चल गए ना तो मुझे मेरी बैग लेके ना भाई घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए मैंने उनको 2000 रुपए बताया। अगर किसी को ये वाला हेलमेट लेना है या फिर परचेस करना है, इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप शॉप में विजिट भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपने छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं ऐसी कोई नए वीडियो में नए मोटो व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी।